फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण का जायका। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तुरई की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल नया तरीका है, तो चलिए देखते हैं कि हम तुरई की सब्जी किस तरह से बनाते हैं। तो तुरई की पहले इस तरह से पूरा छील लेंगे सभी तुरई को। चलिए छील करके वॉश कर लेते हैं पहले, तब मैं दिखाती हूँ। मैंने छील करके वॉश कर लिया है। अब इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये गर्मी के मौसम की बहुत अच्छी सब्जी है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इस सब्जी को गर्मी के मौसम में ज़रूर बना करके खाएं। मेरा तरीका बिल्कुल ही नया है, इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो मेरे तरीका से आप बनाएं। चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। पहले सभी को कट कर लेते हैं पीसेस में, इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। और उसके बाद हम सभी पीसेस को में भी कट लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे और पीछे दोनों तरफ से हम कट लगा देंगे। ज़्यादा नहीं कट करना है, नहीं तो ये दो टुकड़ा में कट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कट लगाना है। सभी पीसेस में कट लगा लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। 2 चम्मच ही हमने सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें डाल देंगे पचफोरन। पचफोरन की जगह आप राई का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर पचफोरन ना खाते हो तो। उसके बाद हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। मिर्च भी हमारा तड़क गया है, तो अब इसमें डाल देते हैं हम तुरई जो हमने कट करके रखे हुए थे। सभी तुरई के पीसेस को हम डाल देंगे इस तरह से। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे। डाल करके इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ये सब्जी काफ़ी गलता है तो नमक थोड़ा कम ही डालें। और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और अभी कोई मसाला हम नहीं डालेंगे। नमक हल्दी के संग इसे मिलाते हुए थोड़ा सा हम भून लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा सब्जी करीब करीब 50% तक कुक हो चुका है और थोड़ा थोड़ा पानी भी अब रिलीज हो रहा है। तो अब इसे हम एक बार चला लेंगे और उसमें डाल देंगे अब हम मसाला। मसाला में हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, तीखा नहीं होता है, इसे बच्चे भी खा सकते हैं आराम से। और कोई मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, कोई मसाला नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह से मसाला मिलाते हुए हम थोड़ा सा भूनेंगे इसे 2 मिनट तक के लिए चला लेते हैं। और इसे हम कवर कर देंगे फिर से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सीक्रेट चीज़ जो हम डाल रहे हैं। देखिए 1 चम्मच ये गेहूँ का आटा है, उसे में 1/2 कटोरी पानी डाल करके इसे हम अच्छी तरह से घोल देंगे। कॉर्नफ्लोर, मैदा, ये सब दूध, ये सब नहीं डालेंगे हम इसमें। 1 चम्मच सिर्फ गेहूं का आटा डालना है, उसी से इसकी सब्जी की टेक्सचर भी बदल जाएगी और टेस्ट भी। चलिए हम घोल लेते हैं और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं। देखिए अभी लग रहा है ना, ग्रेवी पतला लग रहा है, डालने के बाद देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो डाल करके इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, तो देखिए हमारा सब्जी कितना सुंदर, एकदम इसका ग्रेवी थिक हो गया है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। चलिए सर्व करके दिखाते हैं। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही, उससे ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं और परिवार को खिलाएं। सभी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है ये रेसिपी, इस तरीके से अगर आप तुरई की सब्जी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।